हम हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो ऑटोनॉमी कहते हैं, वो जो हिंदुस्तान के आईन के अंदर की बात करते हैं, हम सेल्फ रूल कहते हैं, हम कहते हैं रास्ते खोलो, हम कहते हैं बातचीत करो, रिकंसिलिएशन करो, डायलॉग करो, आप बंदूक के बलबोते पे जम्मू कश्मीर में कब तक अमन कायम कर सकते हैं? लोगों को डरा के रखा है, अभी मुंह खोला नहीं होता है, पुलिस का आदमी आके पकड़ के ले जाता है थाने में, तो वहां बोलता है कि भाई कहां जाना है, राजस्थान जाना है या यूपी जाना है या लखनऊ के जेल में जाना है? ये कब तक चलेगा? ये गुंडागर्दी कब तक चलेगी? पकड़ दकड़ अभी इतने सारे लोग पकड़े हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है चाहे हमारी जमात से, अभी तक उनको ऑर्डर नहीं दिया कि हमने आपको किस कानून के तहत बंद किया है। ये कैसे जमहूरियत है? ये तो बहुत बड़ा ढोल बजा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जी बड़ी जमहूरियत की कामयाबी हुई। जमहूरियत खाली वोट डालना नहीं होता है, उन लोगों के हकूक का क्या जो वोट डालते हैं, उन लोगों के हकूक का क्या जो वोट डाल के कामयाब होते हैं? क्या उनको पकड़ के पुलिस के जरिए आप होटलों में बुला के बंद कर रहे हैं? एक को कहते हैं तू किसी जमाने में मिलिटेंट था इसलिए इस खोलाई की एस, दूसरे को कहते हैं तुम्हारे भाई को बंद कर देंगे, जाके तुम्हारी बीवी DDC की मेंबर है उसको पकड़ के लाओ। यही है जमहूरियत? क्या इस मुल्क की जमहूरियत यही है? ये कब तक चलेगा? इसलिए मैं लड़ाई छने हिंदुस्तान के लुकन सिद्ध किया, हमारा झगड़ा हिंदुस्तान इस मुल्क के लोगों के साथ नहीं है, हमारा झगड़ा उस जमात उस सरकार के साथ है जिसने जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की इज्जत को तहस नहस कर दिया। जब तक हम वो इज्जत बहाल नहीं करेंगे, जब तक हम मसले कश्मीर में हल करने में अपना रोल अदा नहीं करेंगे, PDP का वर्कर, PDP के लीडर, PDP की जमात कहीं जाने वाली नहीं है। महबूबा जी कदम बढ़ा।